हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। आजकल जैसा कि आप जानते हैं, अब बहुत से बच्चे जब जॉब पर पहुंच जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, कभी उसी शहर में जॉब ना होने की वजह से, और कभी कभी कि अब हम बड़े हो गए हैं और वो पेरेंट्स से लगाव ही खत्म हो जाता है बच्चों का। आज कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एक गरीब आदमी ने बड़ी कठिन साधना से अभाव के बावजूद अपने इकलौते पुत्र को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। बाप को हमेशा अपने पुत्र पर गर्व होता था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी है। साथ ही उन्हें खुद पर भी काफी प्राउड फील होता कि उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद अपने पुत्र को इस योग्य बना दिया। एक बार वह बुजुर्ग पिता अपने अधिकारी पुत्र के दफ्तर में गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बिल्कुल शांत स्वभाव से खड़े हो गए और बड़े प्यार से अपने पुत्र से पूछा, बेटा बताओ कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? अब पुत्र ने अपने पिता को बड़े प्यार से मुस्कुरा के जवाब दिया कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। बुजुर्ग पिता को अपने पुत्र से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें यकीन था कि उनका पुत्र गर्व से कहेगा कि पिताजी, भगवान के बाद इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति आप हैं, जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी मुझे पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया। किंतु उनकी आंखें भर आई और वे ना उम्मीद होकर अपने पुत्र के दफ्तर से बाहर निकलने लगे। लेकिन दफ्तर से बाहर निकलने से पहले उनकी भावनाएं फिर से हिलोरे मारने लगी और एक बार पीछे मुड़कर उन्होंने दोबारा अपने पुत्र से पूछा, बेटा एक बार फिर सोचकर बताओ कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? पुत्र ने इस बार अपना जवाब दिया, पिताजी निसंदेह आप हैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति। वो बुजुर्ग पिता अपने पुत्र के इस जवाब को सुनकर हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बता रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि अब तुम मुझे बताने लगे? पुत्र बिल्कुल खामोशी से अपनी कुर्सी से उठा और बेहद शालीनता से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। उसके बाद बोला, पिताजी जब पहली बार आपने मुझसे प्रश्न पूछा उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था और जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर उसके पिता का हाथ हो वो पुत्र तो यकीनन इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति ही होगा। बुजुर्ग पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने पुत्र को अपनी बाहों में ले लिया। कहते हैं ना, माँ बाप का ऋण 7 जन्मों तक नहीं चुकाया जा सकता। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप सबके जरिए जो भी कहानी सुनिए उसके बाद इसे ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद ऐसी कहानी सुन लेने के बाद कुछ पेरेंट्स की वो उम्मीदें पूरी होंगी जिनके बच्चे इस कहानी के माध्यम से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।